केशव मौर्य अपने घर को पहले देखे ना, अब उनके घर का कौसाम्बी जनपद आप देखिए, उनके बेटे जमीन कब्जा कर रहे हैं, आपने देखा होगा उनका बेटा जो है वो जमीन, गरीबों की जमीन कब्जा कर रहा है, और वहाँ पर तीन तीन लोगों की हत्या हो गई जमीन के विवाद में, तीन लोग मार दिए गए कौसाम्बी के अंदर, अनुसूचित जात के लोग अपने। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। बरेली पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, केशव प्रसाद मौर्य पहले अपना घर देखें। कहा, केशव प्रसाद मौर्य के बेटे जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। कहा, मंत्री के घर में हत्या हो रही है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहा, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हम उखाड़ फेंकेंगे। साथ ही कहा, घोसी में जनता ने उनको क्या जवाब दिया सबने ही देखा है। कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की तैयारी कर रहा है। 24 की हमारी रणनीति, हम लोग दिन रात पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। आप हमारे एक बार आपने देखा मेरठ में, अभी हम 13 जिले के साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे, ठीक उसी प्रकार बरेली के अंदर हम अपने जोन में हमारे प्रदेश राष्ट्रीय सचिव तौकीर भाई हैं, हमारे प्रदेश के संगठन सचिव अनिल जी हैं, पूरी टीम लेके हम लोग काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर से हम सब लोग कांग्रेस पार्टी को दिन रात मेहनत करके अपने कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत ऊर्जा के साथ 24 की लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा इशारा करते हुए कहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने से कोई ताकत नहीं हो सकती, कल ही बरेली में आके बयान। अब केशव मौर्य अपने घर को पहले देखे ना, अब उनके घर का कौसाम्बी जनपद आप देखिए, उनके बेटे जमीन कब्जा कर रहे हैं, आपने देखा होगा उनका बेटा जो है वो जमीन, गरीबों की जमीन कब्जा कर रहा है, और वहाँ पर तीन तीन लोगों की हत्या हो गई जमीन के विवाद में, तीन लोग मार दिए गए कौसाम्बी के अंदर, अनुसूचित जात के लोग, अपने जिले को नहीं देख पा रहे हो, अपने प्रदेश को नहीं देख पा रहे हो, मंत्री के घर में हत्या हो रही है, कौशल किशोर के घर में उनके बेटे की पिस्टल बरामद हुई और उसमें हत्या हो रही है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप उठाकर देखिए, चारों तरफ माहौल बिगड़ा हुआ है, और अब कानून व्यवस्था जंगल राज कायम किए हुए हो पूरी तरीके से, और आप कहते हो कि सरकार बनेगी, निश्चित तौर से उनको उखाड़ के उत्तर प्रदेश से फेंक देंगे हम। आप कह रहे हैं कि जगह जगह आप लोग जा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि कांग्रेस का कोई जगहधार ही नहीं रहा है। अब वो उनको समझ में आएगा, उनका अभी तो अभी लड़े हैं ना घोसी में, मिलकर लड़े हैं, आप देखे होंगे गए थे ना, समाजवादी छोड़कर गए भाजपा में गए, उनके सहयोगी गए, देखिए वहाँ जनता ने क्या उनको जवाब दिया, 43,000 वोट से हराया। उन्होंने एक बात और भी कही है कि घोसी जो है देश का चुनाव तय नहीं करती, जनता का मिजाज तय करता है, जनता का मिजाज क्या है ये तय कर देता है और तय कर देता है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो इंडिया से सीट मांग नहीं रहे बल्कि हम सीट दे रहे हैं। अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व क्या करेगा, उस पर क्या सीटें देगा, और हम अपनी 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस संगठन पूरी तरीके से 80 सीट की तैयारी कर रहा है, हम दिन रात उस पर काम कर रहे हैं। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा है कि शेर जो है खेला रहता है वो भाजपा है और गीदड़ सब मिल के आते हैं। कौन शेर कौन है? भाजपा कहा है उन्होंने। शेर कहा है? शेर कहाँ है? 38 दल तो हैं उनके साथ, सभी दलों को तो अभी तो JDS से समझौता कर लिया, जिससे लड़ाई लड़ते थे कर्नाटक में उसे समझौता कर लिया, शेर कहाँ है? शेर का गीदड़ जब शेर का खाल ओढ़ लेता है तो वो ये बात बोलता है। सर, इंडिया के गठबंधन में कई पीएम के इंडियन जो अपना गठबंधन है उसमें कई दावेदार हैं पीएम के, तो अभी पहले चीज़ें सामने आने दीजिए, सामने सब आ जाएगी तो वो भी आपकी चीज़ें सब कुछ आपके सामने आ जाएगी। बसपा साथ में आ रही है आपके क्या? अभी ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, हमारा काम है अपनी तैयारी करना, संगठन को दुरुस्त मजबूत करना, उस पर हम लोग काम। गठबंधन में कितनी सीट जा रहे हैं आप? हम 80 सीट पे काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी 80 सीट पे काम कर रही है। सर, बरेली लोकसभा सीट क्या आप दावेदार हैं क्या? मैंने कहा ना कि हम 80 सीट पे काम कर रहे हैं, 80 सीट हमारा जो उत्तर प्रदेश का संगठन है उस पे काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।